संडे स्पेशल लाइव वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज का सवाल है कि सरकारी नौकरी, अब जो सवाल है आज का वो सरकारी नौकरी का। उत्तर प्रदेश समेत भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर टेट और सीटेट पास और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तमाम युवा हैं जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी वो नौकरी से कोसों दूर हैं। उनके लिए ये वीडियो है, उनसे सीधा संवाद करने के लिए वीडियो है, और हम चाहेंगे आप इस वीडियो में जुड़ें और अपने बाद भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। और क्योंकि कहीं ना कहीं जब युवा हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ता है तो उसे ये समझ में आता है कि उसे सरकारी नौकरी की क्यों जरूरत पड़ती है। जो जो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं क्यों, तो उसे लगता है माता पिता के ऊपर जो आश्रित है उसके बाद उसके सरकारी नौकरी मिलने के बाद क्या भूमिका होने वाली है। उसी दौर में अगर देखा जाए, आज का जो दौर है, हर एक युवा ये पूछता है कि सवाल है कि अब सरकारी नौकरी कब मिलेगी, कब वो अपने माता पिता के सपनों को साकार कर खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपने आप को एक सरकारी नौकरी का जो तमगा है अपने ऊपर कब लगेगा। जी हाँ, बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है, जहाँ पर फेज 7 के लिए तमाम सीटेट बीटेट और एस्टेट पास अभ्यर्थी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक के साथ साथ एक राज्यकर्मी बनने का सपना सजोए हैं। वहाँ पर आपने देखा कि केवल बिहारी ही फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ट्विटर पर ट्वीट कर ये कहें कि बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों को भी मौका मिले, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार को भी मौका दिया गया। रीट की अगर राजस्थान की बात करें, उन्होंने राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों को भी मौका दिया। बेसिक सीट 10%, 15%, 20%, जो एक आरक्षित रख दे कि हाँ इतने परसेंट हम अदर राज्यों को ही देंगे। इस तरह उन युवाओं के साथ साथ बिहार के युवाओं के साथ साथ जो हम सर्वश्रेष्ठ कक्षा की बात करते हैं, जो बच्चों को अनेकता में एकता की बात करते हैं, अनेक राज्यों से भी बेहतर और बेहतरीन शिक्षक मिलने का एक सुनहरा मौका। इसके लिए बिहार शिक्षक भर्ती चल रही है और सामने चुनाव भी, इस कदर ये कहा जा सकता है कि बिहार में अगर आप लोगों ने ट्वीट किया तो बिहार में, बिहार के अलावा आप सभी को भी शिक्षक बनने का एक मौका मिल सकता है, एक लिमिटेड पद दे दे परसेंटेज पद के साथ साथ। एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट कब तक होगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के लिए कहीं ना कहीं यूपी टेट के बाद ही उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा की एक उम्मीद की जा सकती है। और यूपी टेट कब होगी, क्योंकि अभी यूपी टेट 2021 का परिणाम ही नहीं मिला है लोगों को, रिजल्ट भी लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। कारण ये है कि यूपी टेट के बाद से, मतलब पहले से ही बीटीसी बीएड का मामला न्यायालय में है, अब इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब अगर इस महीने तक ऑर्डर आ गया तो ठीक है, वरना कोर्ट बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद जून में ऑर्डर डिलीवर होने की संभावना। तो ये उम्मीद लग रही है कि आने वाले सप्ताह में बीटीसी बीएड का जजमेंट आ सकता है, अन्यथा फिर जून में जजमेंट आने की उम्मीद होगी। तो जैसे जजमेंट आएगा वैसे ढेर सारे सवाल, ढेर सारे गुत्थियां सुलझ जाएंगी, चाहे केवीएस हो, डीएसएसबी हो, पीआरटी के लेकर कि जो बीटीसी बीएड का जो विवाद है, 2 वर्ष दोनों प्रशिक्षण करते हैं, एक से लेकर 12 तक, एक से लेकर 5 तक, या तो दोनों को 12 तक कर दिया जाए या बीएड को भी प्राथमिक मौका दिया जाए, इस सवाल को माननीय न्यायालय जल्दी सुलझाने वाला जो पूरे भारत के लोग, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भर्ती देखने को मिलेगी, यूपी टेट के बाद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा हो पाएगी। बीडीओ री एग्जाम की कहानी क्या है कि एक बार कहा जा रहा है कि 2018 में लगभग 1953 पदों पर जो बीडीओ की परीक्षा हुई थी वो परीक्षा की री एग्जाम होने वाला है। कई बार अफवाह उड़ती गई, अब होगा, अब होगा, अब होगा, कि यूपी ट्रिपल एससी ने खुद को बांध लिया है। पहले 1/2 माइनस वर्किंग था, 50 मतलब एक प्रश्न गलत होने पर आधे अंक काट लिए जाते थे, लेकिन अब उम्मीद है कि यूपी ट्रिपल एससी 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ नए दरवाजे खोलेगी बीडीओ के लिए। तो जो भी 4 साल से गैप में थे, जो पाले से बाहर थे, जिनको ये लग रहा था कि अब होगा तब होगा, अपनी कमर कसले की चुनाव से पहले बीडीओ परीक्षा भी आपको री एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। वे सभी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने आवेदन किया था। तो अब इंटरव्यू नहीं है, एक परीक्षा, इसके आधार पर आपको नौकरी मिलनी है, और जिसका ग्रेड पे 2020 है, लेकिन वेतनमान भी ठीक ठाक है, लेकिन इसके पद की गरिमा बहुत बड़ी है। तो आप सब विलेज डेवलपमेंट अधिकारी माने ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी अभी से जारी रखें। उसके लिए जीएस हिंदी की भूमिका अहम और महत्वपूर्ण होगी। जीएस हिंदी की भूमिका के लिए पढ़ते रहिएगा, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो, यूपी सुपर टेट हो, उन सभी के लिए मैं स्पेशल जीएस की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि जीएस की सीरीज में आप सम्मिलित हो, तो निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि हम आपके हिसाब से उस प्रश्न को तैयार करके थियरी शुरू करके आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी सुपर टेट, बीडीओ, यूपी ट्रिपल एससी, इन सब के लिए जो कॉमन टॉपिक है, जहां से परीक्षाओं में सवाल आते हैं, उनकी एक स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए। लेकिन उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कौन सा विषय पढ़ना चाहेंगे, कब। कम से कम 200 की संख्या होगी तब हम आपके लिए सीरीज शुरू करेंगे, और इस सीरीज मेरे द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क होगी, और इस बात की गारंटी परीक्षा में से बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यूपी टेट और सीटेट की बार बार यूपी टेट सीटेट देते देते अभ्यर्थी अब ये
मन में आ गया है कब तक हम यूपीटेट और सीटेट इसी तरह से देते रहेंगे, कब हमारे लिए भी शिक्षक भर्ती का दौर आएगा। तो ऐसे तमाम सारे हमारे आपके अंदर सवाल है जो हमें घर करते जा रहे हैं। तो हाँ, अब बारी है एक शिक्षक भर्ती परीक्षा की, लेकिन अभी सामने एक फिर सीटेट देने का मौका मिलेगा। मैंने बिहार में सातवें फेज की तैयारी से पहले बिहार टेट और सीटेट दोनों देने का मौका मिलेगा। एक पेपर एक कटिंग वायरल हो रही थी, इसमें लिखा था अब बिहार टेट नहीं होगा, बदला इसलिए हो रहा कि सीटेट बार बार हो रहा है इसलिए बिहार टेट क्यों कराएंगे। लेकिन बिहार में शिक्षक भर्ती होने से पहले वहां बिहार टेट भी देखने को मिलेगा और सीटेट भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बिहार में सेवन फेज के लिए एक शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू होगी। यूपी ट्रिपल एससी के बाद नौकरी, क्योंकि आपने पेट परीक्षा पास कर ली, अभी तक आपने तैयार किया दरोगा भर्ती है, एक दो भर्ती आपको देखने को मिली, बाकी उसकी वैलिडिटी खत्म होने के कगार पे आ गई। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी से बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली, लेकिन तैयार रहे, अपनी तैयारी को विधिवत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले आपको उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एक बड़ी भर्ती अलग अलग पदों पर देखने को मिल सकती है। इसलिए अपनी अपनी कमर कस लें, क्योंकि अब हवाओं की गति तेज होने वाली है और सूर्य भगवान भी अपनी तपन बढ़ा रहे हैं, तो मौसम भी गर्म होने वाला है। अपने आप को संभाल कर रखिए, क्योंकि आगे आपके सरकारी नौकरी के दरवाजे खुल सकते हैं। सामने उत्तर प्रदेश समेत भारत में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। ये लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार समेत ढेर सारे भर्तियों का पिटारा खोलेगा। अभी आप अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग करिए। हिंदी सभी में कॉमन पूछा जाता है, जीएस कॉमन है, रीजनिंग कॉमन है, मैथमेटिक्स कॉमन है, तो जो जो लगता है कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी परीक्षाओं के लिए आम है, उनकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहें तो हम भी आपके साथ देंगे और आपको आपकी इस तैयारी में हम अपनी भी मदद आपको कर सकते हैं जहां तक पॉसिबिलिटी होगी। तो आप सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो में बने हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा, लाइक नए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और प्ले स्टोर से इलर्निंग विद दुर्गेश ऐप डाउनलोड कर रखिएगा। सभी क्लासें रात के 9 बजे आपके एनसीईआरटी के सेशन चलती है विज्ञान की, शाम के 7 बजे, सुबह के 9 बजे। इसके अलावा दो और यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर और स्टडी विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और आप बताइए अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप जिस जगह से वीडियो को देख रहे हैं क्या करना चाहिए, बिहार शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, वीडियो एग्जाम, यूपी टेट सीटेट कहानी क्या है, यूपी ट्रिपल एससी के बाद नौकरी कब तक, और ढेर सारे सवाल आपके होंगे। आप कमेंट में कमेंट करिएगा संडे स्पेशल लाइव वार्ता में। ये ऐसे सवाल थे जो आपके लिए काफी प्रमुख काफी महत्वपूर्ण थे, तो देरी किस बात की, आज से लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ, क्योंकि हमारे आप में से कुछ लोग ही सफल हो पाते, सब लोग नहीं, क्योंकि पद कम है, सीट कम है, नौकरियां कम है, अभ्यर्थी ज्यादा है। तो अब मेधावी अभ्यर्थियों का चयन होगा और आप भी एक मेधावी अभ्यर्थी हैं। अपनी कमजोरी को सुधारिए, अपनी मजबूती को बल दीजिए और आप अपना बेहतर और बेस्ट दीजिए। हम आपके साथ, आपके माता पिता आपके साथ हैं और आपका परिवार आपके साथ है। दो रोटी कम खाइए पर अपनी मेहनत में कोई भी कसौटी मत छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आपके लिए हमेशा चालू है, आगे भी रहेगी, लेकिन आप साथ दीजिए, हम आपको परिणाम तक लेकर चलेंगे। चैनल पर नया आ रहा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी सुपर टेट, वीडियो एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, इनकी कॉमन सीरीज हम शुरू करना चाह रहे हैं। आप जिसमें जीएस है, रीजनिंग होगी, रीजनिंग जैसे टेट को छोड़ दिया जाए, मैथमेटिक्स होगी, लेकिन आप उसके लिए कॉमेंट करिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा, तो हम आपका साथ देंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ दीजिएगा, हम आपको परिणाम तक ले चलेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपकी भी जिम्मेदारी है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट अंदाज में इस वीडियो को शेयर कर दें सभी साथी मित्रों तक। ठीक है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट अंदाज में इस वीडियो को शेयर कर दें। हाँ, वीडियो फेसबुक पे भी चल रहा है, आपके यूट्यूब पर भी चल रहा है। थैंक यू, बाय बाय।